हेलो सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 स्टूडेंट, सीबीएसई का रिजल्ट अगर लेट हो रहा है तो मतलब सीबीएसई कुछ प्रोसेस कर रही है। बेस्ट ऑफ आइदर टर्म हो सकता है, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है। स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट एक बच्चे का एक मैसेज आया है, इस कैलकुलेशन देख लीजिए और रिजल्ट जब भी आएगा उससे पहले सर्कुलर आएगा। इसलिए मीडिया की रिपोर्टिंग देखिए, मीडिया की रिपोर्टिंग थी 4 को रिजल्ट आएगा, मुझे इस तरह का, इसलिए मैं आपको बोला कि जब तक सर्कुलर नहीं आता है और सर्कुलर 3 तारीख की रात तक नहीं आया तो 4 को कैंसिल हो चुका था, 4 को नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे जब भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि 13 के लिए रिजल्ट बोल रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी 13 के लिए बोल रहे हैं, पर जब भी रिजल्ट आएगा सीबीएसई का सर्कुलर आ जाएगा। अगर 13 को रिजल्ट रहेगा डेफिनेटली उससे पहले सीआईसी डिक्लेयर कर देगी। तो एक चीज़ नोट रखिए, सीबीएसई का रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होगा उससे कुछ दिन, 2-1 दिन पहले सीआईसी का रिजल्ट मीन्स आईसीएसई क्लास 10th का रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, इस बच्चे ने मुझे अपने परसेंटेज मार्क्स भेजे हैं टर्म 1 में। टर्म 1 इसके मार्क्स ठीक है, मतलब 27, 18, 26, 20, 20, मतलब टर्म 1 में नियर अबाउट हर सब्जेक्ट में इसके मार्क्स ठीक है, मतलब 50% के ऊपर मार्क्स आए हैं, पर टर्म 2 में मार्क्स कम है। अब बच्चा पूछ रहा है कि सर मैं पास हो पाऊंगा, पास हो जाऊंगा या फेल। अब यहाँ पे फेल का चांस तो बिल्कुल ना के बराबर है, स्टूडेंट पास ही होगा और मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। और इंटरनल इसने बोला है 13+ मेरे आ सकते हैं आउट ऑफ 20। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल अगर मैं ऐड कर लेता हूँ 27+19 तो 20, ये 46 हो गया। और 46 में मैं इसके इंटरनल अगर 2014 ले लेता हूँ इसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा इसका 46+450, 60 मार्क्स आ गए इंग्लिश में। अब यहाँ पे हिंदी में 38 में इंटरनल अगर मैं 12 लेता हूँ, 38 तो 50, ये 50 मार्क्स आ गए हिंदी में। ओके स्टूडेंट्स, मैथ्स में 26 एंड 4.5 बहुत कम मार्क्स हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों मिला के आपका यहाँ पे हो जाएंगे 5 नंबर और 31 में अगर हम इंटरनल 15 ले लेते हैं 31 में, तो 46 के आसपास में 46 मार्क्स तक आपके मैथ्स में आ जाएंगे। साइंस में 20 एंड 7, 8 तो 28 समथिंग अगर इसमें भी हम ले लेते हैं तो ये भी 45 के आसपास में जाएगा स्टूडेंट्स। और आपका एसएस स्टडीज सोशल स्टडी में देखिए 20 और 22, अगर यहाँ पे 42 हो रहा है और अगर इंटरनल 15 लेते हैं तो 47 तक आसपास, मतलब 60 के आसपास में मार्क्स जा सकता है। अगर मैं यहाँ टोटल ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे भी 45 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो मार्क्स हो जाते हैं 10-0-1 कैरी 6-1-7+5-12+4-16+4-20-2-60 आउट ऑफ 500। आप आउट ऑफ 500 5 से डिवाइड करते हैं तो 5-5 = 20, 5-5 = 10, तो लगभग 52% आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप पास भी हो जाओगे और लगभग सेकंड क्लास आपका रिजल्ट आएगा, तो 52 आ रहा है। और कुछ इंटरनल मान लीजिए बेस्ट ऑफ आइदर टर्म वगैरह हुआ तो 3-4% और बढ़ जाएंगे, तो नियर अबाउट 56-57, तो 55-57% तक आपका आ सकता है। तो स्टूडेंट ये कैलकुलेशन अगर आपको ठीक लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपको अपना कैलकुलेशन पूछना है तो प्लीज़ अपना मार्क्स मुझे भेजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।